संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन नंबर्स का वीडियो नंबर फर्स्ट फॉर यूपी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी टीजीटी में भी कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन डाल दिया जाता है एंड यूपी प्राइमरी के सिलेबस में तो बना हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। तो जैसे कि कोई नंबर्स है हमारे पास 7, 6, 4, 3, 5, 9, 2, जातीय मान एंड स्थानीय मान। ठीक है, जैसे बात आती है कि दो का जातीय मान बनाना है, दो का जातीय मान दो कहाँ पे, दो का जातीय मान दो ही होगा, नौ का जातीय मान लेना है तो नौ ही होगा, पाँच का जातीय मान लेना है तो पाँच ही होगा, थ्री का जातीय मान लेना है तो थ्री ही होगा, एंड फोर का जातीय मान लेना है तो फोर ही होगा, एंड सिक्स का जातीय मान लेना है तो वो सिक्स ही होगा, एंड सेवन का जातीय मान लेना है तो वो भी सेवन ही होगा। ये तो हो गया जातीय मान। ठीक है, अब बात आती है स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि दो का स्थानीय मान लेंगे, दो यानी इकाई के अंक पे है तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा 2, नौ का स्थानीय मान लेना होता स्थानीय मान ये दहाई के अंक पे है तो 9 × 10 = हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट चल रहा है। पाँच का स्थानीय मान लेना होगा, पाँच का 5 × 100, पाँच के बाद दो जीरो है तो 5 × 100 यानी कि 500। ऐसे ही अगर तीन का स्थानीय मान लेना होता है, इसमें तीन का स्थानीय मान 3 × 1000 यानी कि 3000, 3 × 1000 तीन जीरो है। चार का स्थानीय मान अगर लेना होगा, 4 × 3 = 0, 4 0 हो जाएंगे, 2 × 2 = 4 0 यानी कि 2 × 2 = 4, 40000। ऐसे ही छः का स्थानीय मान लेंगे, छः का स्थानीय मान तो 6 × 6 के आगे कितने, 5 0, 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 5 यानी कि 6 लाख। ठीक है, ऐसे ही अगर सात का स्थानीय मान लेना होगा, 7 × 3 = 6, 3 × 4 = 6, 7 × 3 = 4 = 6 ये हो जाएगा स्थानीय मान। जातीय मान में जो जो नंबर होता है वही लिखा जाता है एंड स्थानीय मान जिस पोजीशन पे होता है, इकाई अंक पे तो इकाई, दहाई पे तो जैसे 92 था तो 9 जो है दहाई अंक पे, तो यानी कि 9 का जो जातीय मान हो जाए 9 × 0 90 हो जाएगा, 5 कर लेंगे 5 × 0 500 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 का है 3000 हो जाएगा, तो वो सब लिख चुके हैं नीचे। ठीक है, तो इस टाइप पे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय मान एंड जातीय मान में डिफरेंस बताना है। ठीक है, कोई नंबर दे दें, उसका स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस बताओ या अंतर बताओ, तो उस तरह की क्वेश्चन यहाँ पे अध्यापक भर्ती परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ही कुछ फॉर्म है यानी संख्याओं की संक्रियाओं पर, तो वो आते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स में। जैसे कि ये क्वेश्चन है 8, 9, 6 छः का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, छः का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान देख सकते हैं छः का, ये हो जाएगा छः के आगे 3 अंक है। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान, और छः का जातीय मान हो जाएगा 6, ये हो जाएगा जातीय मान, छः का जातीय मान होगा 6। उनका अंतर लेना है तो डिफरेंस कर सकते हैं, आसानी से उसको घटा सकते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर लेना है, स्थानीय मान बड़ा होगा, जातीय मान छोटा होगा, घटा देंगे ये 4 बनेगा, 9 है 5, 5, 9, 9, 4, 5994। तो ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान जातीय मान अगर निकालना जानते हैं, किस जगह पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, तो आसानी से हो सकता है। ऐसे ही है जैसे कि 9, 4, 3, 7, 5, 1, 7 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि 7 × 0, 7 के आगे क्या है, 2 अंक हैं, तो ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है स्थानीय मान जातीय मान तो उस पर हो चुका है। अब आता है इकाई अंक ज्ञात करना, तो मैं शायद एक वीडियो में दे भी चुका हूँ
मैं इकाई अंक ज्ञात करूं, शायद कमेंट में दिया था, किसी ने पूछा था, तो इसका इकाई अंक पूछना है। ठीक है, सात की घात 105 में इकाई अंक क्या होगा? देख सकते हैं इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, इजीली क्या पड़ता है। पहले तो इसको सम ऑर्डर में तोड़ लेते हैं। 104 इंटू 7 की पावर 1 ले लिया, 105 था, 104 इंटू 7 की पावर 1, 7 की पावर 104 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर स्क्वायर 52, 7 का स्क्वायर 49, 49 की पावर 52। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 49 की पावर 52 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, 49 में लास्ट अंक 49 है, इसको लिखा जा सकता है 49 का स्क्वायर की पावर 26 दुनी 52। ठीक है, 49 का स्क्वायर की पावर 26, ठीक है, 26 दुनी 52, तो यहाँ हो जाएगा 49 इंटू 49 की पावर 26, यानी कि लास्ट वाला इकाई अंक 9 है, तो 9 इंटू 9 81, इसका इकाई अंक आएगा 1। ठीक है, तो 1 की पावर 26 यानी कि 49, यानी 49 इंटू 49, तो लास्ट का इकाई अंक क्या है 9, मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा। तो हमको बाकी अंक नहीं चूज़ करने हैं, हमको लेना केवल इकाई अंक, तो इकाई अंक 1 की बार बार मल्टीप्लाइंग करेंगे, 26 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे 1 बन जाता है वो आसान हो जाता है, यानी यहाँ पे इकाई अंक 1 आ गया, ये 7 है, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। तो 7 की घात 105 में इकाई अंक हो गया 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है 694 इंटू 538 इंटू 787 इंटू 523 में इकाई अंक क्या होगा, तो इस टाइप का है। अगर मल्टीप्लाइंग करेंगे, कुछ लोग का कहना क्या होता है, इसकी गुणा कर लो, फिर जो आए उसकी से कर लेना, फिर उससे कर लेना, और लास्ट में इकाई अंक देख लेना। ठीक है, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, हम क्या करेंगे इकाई अंकों की मल्टीप्लाइंग कर लेंगे। 7 × 3 = 21, यहाँ पे 4 × 8 = 32, उसके बाद जो बनता है इसके भी इकाई अंक को भी गुणा कर लो। ठीक है, क्या बना है 8 × 32, 32 यानी इकाई अंक 2, और 7 × 21, 21 का इकाई अंक 1, और इसका इकाई अंक 2, और इसका 1, 2 × 1 = 2, तो इतने का इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। बच गए अगर इसमें 3 फंक्शन 4 फंक्शन है, 5 6 7 कुछ होते तो वो भी आसानी से निकाला जा सकता था। तो जनरली इस टाइप में मल्टीप्लाइंग में आएगा तो बहुत आसानी से हो जाता है। पावर वाला जो है थोड़ा सा लॉजिक बनता है, पावर वाली जो है वो थोड़े से फंसाया करते हैं। ठीक है, देखिएगा पावर वाले में भी क्या सिस्टम होता है। और आया है क्वेश्चन, जैसे हमने 7 में लिया था, तो 7 में हमने क्या बनाया था, 7 × 49 = 49 अगर था 9 = 81, यानी 1 हो गया था इकाई अंक, जहाँ 1 हो जाता है वहाँ पे 1 बना लेते हैं, यहाँ भी 7 आ रहा है, परंतु 6 में आप देखें 6 × 36 = 6, 36 × 6 = 216, फिर 6 आ रहा, और 216 का भी 6 से करें 6 × 36 फिर 6 आएगा, यानी कि यहाँ पर इकाई अंक 6 ही आएगा। कितनी बार करें, यानी कि 6 की पावर 2, 6 × 6 = 36 हो गया, 6 की पावर 3, 6 × 36 = 216 हो जाएगा, 6 की पावर 4 फिर 6 आ जाएगा, 6 की पावर 5 फिर 6 आ जाएगा। तो भाई 6 वाले से हैं, 6 वाले को ध्यान रखेंगे, यानी कि 6 की पावर अगर 59 भी है तो इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, वहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, 6 × 6 = 36, बाद में 6 ही आया जा रहा, तो इसका तो हमने ये डायरेक्ट निकाल लिया, इसका इकाई अंक आ गया 6। 3 को आसानी से हम 9 बना सकते हैं, 9 × 81 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जहाँ पे 1 हो जाता है तो वहाँ पे हम आसानी से इकाई अंक 1 बना ले जाते हैं। जैसे 3 की पावर 64 और 3 की पावर 1 तोड़ो, 7 की पावर 70 और 7 की पावर 1 तोड़ो पहले, ठीक है, फिर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर 32 और 3 की पावर 1 × 6 × 7 की स्क्वायर की पावर 35 × 7 की पावर 1, इस तरह से लिखा जा सकता है। 9 की पावर 32 × 3 की पावर 1 × 6 × 49 की पावर 35 × 7, ठीक है। और फिर से ओड नंबर आ गया, ये बात ध्यान रखने वाला है, क्योंकि इवन नंबर यानी कि 49 × 49 करना है तो पावर 2 के टर्म में लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 35 है यानी 34 हो जाए तो बात बन जाए, तो इसको भी थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। मान लीजिएगा 9 × 81 होगा,
तो 9 का स्क्वायर की पावर 16 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 34 × 49 ले लें इंटू 7, ठीक है। तो 9 81 की पावर 16 यानी 1 आ गया इकाई अंक। तो 1 की पावर कितनी हो, अरे 81 × 81 1 आएगा, फिर जो आएगा बाद में 1 से गुणा करेंगे जो आएगा उसको 81 से मल्टीप्लाई, फिर भी 1 आएगा। तो यानी कि इकाई अंक 1 जब लास्ट में 1 आ जाता है और उतने से ही मल्टीप्लाई करनी होती है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 6 वालों में जैसे फ़ायदा है, 6 में भाई 6 ही आएगा वो कन्फर्म हो गया आसानी से। 7 में 49 बना ले, 49 से 9 81 बना ले, ठीक है, 1 बना ले बाद में। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं 49 की पावर 2 की पावर 17 इंटू 49 इंटू 7। अब यहाँ पे 1 हो गया भाई, 1 81 यानी 1 है, यहाँ पे 3 × 6 इंटू 9 81 ये भी होने वाला है 81 यानी 1 हो जाएगा, 49 × 49 ठीक है, 9 81। अरे यार 9 81 हो गया है, 1 हो गया, ठीक है। तो ये भी 1 हो गया, 49 × 7 हो गया, 3 × 6 × 49 × 7। अब क्या करेंगे, फिर से 3 6 9 7 इसका इकाई अंक लेंगे, ये नहीं कि 49 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, 49 से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो इकाई अंक पे रखा हुआ उसकी मल्टीप्लाई कर लें, 7 × 63 और फिर से इनकी 8 इकाई अंक पे 6 × 18 और 7 × 63 और 8 × 3 8 = 24 इकाई अंक हो गया 4, ठीक है। अगर 24 आता है तो इकाई अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका इकाई अंक। तो इस तरह से हम इकाई अंक निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फोर 137 की पावर 754 का इकाई अंक बताना। कहने को तो काफ़ी बड़ी गुणा है, और बड़ी तो है ये भाई, क्योंकि अगर गुणा करने बैठिए तो 754 बार करेंगे तो कई दिन लगने वाले हैं तुरंत तो होने वाला है नहीं। तो मैंने अभी कंफर्म किया था कि लास्ट में अगर 7 आ रहा है 7 × 49 = 9 हो जाएगा, और 49 × 49 = 9 81 यानी 1 इकाई अंक हो जाता है, तो इसमें 7 दिख गया है, ठीक है। और दूसरा फायदा ये भी है कि पावर ऊपर सम है ना, 754 को अगर 2 से डिवाइडिंग कर लें 2 × 6 और 274 377 377 आ गया। तो यहाँ पर 7 × 49 = 9 हो गया, लास्ट में 7 × 7 = 9 हो जाएगा, यानी इकाई अंक केवल लिखते चले जा रहे हैं, 9 हो गया, ठीक है। पावर इसको भी 76 × 9 की पावर कौन ले लो, यानी इवन नंबर बना ले रहे हैं। अब की बार क्या करेंगे, 9 × 9 यानी कि इसका स्क्वायर की पावर 2 × 16 = 188 हो जाएगा इंटू 9 की पावर 9 81 1 हो जाएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा 188 बार, यानी कि इसकी कितनी ही मल्टीप्लाई करो 1 की लास्ट में 1 होगा तो इकाई अंक पे 1 ही आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या है, 1, तो इकाई अंक इसका 1 ही आता चला जाएगा, यानी कि 1 × 9 = इकाई अंक हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें और लगा देते हैं, थोड़ा डिफरेंट अब दिख रहा है, जैसे कि है ये 7 × 95 − 3 × 58 में इकाई अंक क्या है, सब्ट्रैक्टिंग करना है उसके बाद बताना है घटा के इकाई अंक क्या हुआ। 7 × 95 है तो 7 × 94 × 7 ये 3 का स्क्वायर 2 × 4 = 28 ठीक है। तो 7 का स्क्वायर की पावर 2 × 8 = 7 माइनस 9 की पावर 29 तो 49 की पावर 47 × 7 माइनस 9 की पावर 29 तो यहाँ पे हो जाएगा 49 की पावर 46 × 49 × 7 माइनस का 9 की पावर 29 है तो इसको लिख सकते हैं 28 × 9 की पावर 1 यहाँ पे 9 आ चुका है तो
इसका स्क्वायर होल ऑफ पावर 23 इंटू 49 इंटू 7 माइनस 9 का स्क्वायर की पावर 14 इंटू 9 नॉनम 81 यानी 1 हो जाएगा, 1 की पावर 23 इंटू 49 इंटू 7 माइनस नॉनम 81 यानी 1 हो जाएगा पावर 47 की पावर 14 इंटू 9 यानी कि 1 एंड यहाँ हो जाएगा 7 63 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया 3 माइनस का 9 इकाइयों की यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, 3 में से 9 सब्ट्रैक्टिंग होता नहीं है, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो 13 माइनस 9 किया जाएगा, ठीक है, एक अंक इधर से बढ़ा के यानी कि इकाई अंक आएगा 4, इकाई अंक किसका आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन भी करना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे इसमें माइनस का टर्म आ रहा है, तो बाकी जो टाइप्स हैं मल्टीप्लाइंग में पढ़े पावर में पढ़े वो हो ही गए हैं।